चलिए, तो हर जगह राम के नाम की गूंज है और जगह जगह भजन कीर्तन गाए जा रहे हैं। भिंड में भी हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आइए आपको वहां पर सुनाते कि किस कैसे भजन कीर्तन किया जा रहा है। दिन को देखने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हजारों लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दी होगी, उन सब आत्माओं को भी तर्पण करने का दिन है आज का दिन, इसलिए बड़ा गौरव का दिन है। सबसे पहले कहेंगे कि अब दिन बड़ा इतना है कि जिसका वर्णन नहीं है, लेकिन मैं आपको जरा करेक्ट करूंगा, ना हिंदुओं के लिए है ना संत समाज के लिए। ह्यूमन बीइंग मानवी को कई जीवन मूल्यों का पालन करना होता है, देयर कॉमन सेंस वैल्यूज सभी धर्म में है, किसी की चोरी नहीं करना, अप्रामाणिक नहीं होना, सत्य सब में है, जिसको हम सामान्य धर्म कहते हैं, कॉमन सेंस वैल्यू को धर्म कहते हैं। उसका मूर्त स्वरूप भगवान राम है। आज सिर्फ राम जी का मंदिर नहीं बन रहा है, आज राष्ट्र निर्माण की नींव डाली जा रही है। राष्ट्र का निर्माण जो हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ आर्थिक महासत्ता से नहीं बनेगा,
आर्थिक सत्ता वाले कितने देश हैं हमसे आगे, लेकिन भारत की महानता ये थी कि भारत के लोग में चरित्र निर्माण था, जीवन मूल्य थे। जैसे हम कहते हैं ना राम राज, तो चोरी नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो राम तो पूरे विश्व के लिए काम के। मैं तो समझता हूँ अगर राम के चरित्र का अनुसरण करेंगे तो पूरे विश्व में सौहार्द और शांति आ जाएगी। हिंदू के लिए वो आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, भगवान है इसलिए। लेकिन भगवान न देखे तो भी जीवन मूल्य तो पालन करें। आज प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, पांच सदी से चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को एक चीज उसमें बताएं कि जब तक राजकीय निर्णय शक्ति पॉलिटिकल विल नहीं होती है तब तक सत्य भी नहीं पाया जा सकता। ये सत्य था लेकिन लिंगरिंग लंबा चल ही रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सरकार, विशेषतः प्रधानमंत्री जो अमित भाई जो निर्णय शक्ति वाले थे, ये करना है तो हो गया। तो उनका भी बहुत बधाई है, हम सबकी ओर से बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही अच्छे काम वो करते रहें, भगवान उनको शक्ति दें और आखिर विश्व में शांति और सौहार्द फैलाने में वो भी नेतृत्व करें, वही उनके लिए आशीर्वाद। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.